हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा आया हो। आज से थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत हो गई। आज हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले, आज हम देखेंगे कि पूरे थर्ड सेमेस्टर की औकात कितनी है। कहने का मतलब है कि देखने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है, जेई के पर्पस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट जेई में कम आता है। यानी सारे आज पूरे सेमेस्टर का मोटा मोटा हम डिस्कशन कर लेंगे कि सेमेस्टर में चलना कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट कितने आते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर, सब्जेक्ट कितने आते हैं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं हम। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, उसी मैकेनिक्स में एक और नाम जुड़ जाता है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। हम क्या देख रहे हैं? थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ओके, क्या देख रहे हैं हम? थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आता है? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। इसका एक पुराना नाम था SOM, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब इसका नाम जब सेमेस्टर वाइज हुआ है, जब ईयरली पेपर होता था जिसका नाम था SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जब से सेमेस्टर हुआ है इसका नाम दे दिया है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। देखिए नया नया स्टूडियो बना है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा थोड़ा आज गूंज रहा हो, है ना। कोई चीज़ नया होती है तो थोड़ा सा इरर तो आता ही है, लेकिन हम कल व्यवस्था कर देंगे जितना आवाज़ गूंज रहा है वो गूंजेगा नहीं। चलिए दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है, है ना, इस सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर आज हम जाएंगे कि सब्जेक्ट में है क्या क्या पढ़ना क्या क्या है। दूसरा सब्जेक्ट आता है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, है ना, स्पेलिंग को मत जाइएगा, है ना, मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। थर्ड सब्जेक्ट आपका आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या जाएगा आपका? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, फोर्थ सब्जेक्ट क्या जाएगा? बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। फिफ्थ सेमेस्टर आ जाएगा आपका, है ना, ओहो बिल्डिंग मटेरियल नहीं, बिल्डिंग ड्राइंग, है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो आप लोग पढ़े होंगे, बिल्डिंग मटेरियल कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कह लीजिए, वो पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें आपको क्या पढ़ना है? बिल्डिंग ड्राइंग। फिर एक और सब्जेक्ट आता है आपका कंक्रीट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना, क्या जाएगा? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फिर एक आता है इन्वायरमेंटल स्टडी, स्पेलिंग नहीं पता, ES लिख दिए हैं, ठीक है, क्या नाम है इसका? इन्वायरमेंटल स्टडी। अब समझिएगा, यदि हम कह दें कि यदि अभी तक मतलब क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आप लापरवाही किए हैं, कोई बात नहीं, थर्ड सेमेस्टर से लापरवाही नहीं करना, क्योंकि अब प्रॉपर इंजीनियर थर्ड सेमेस्टर से ही बनने वाले हैं। क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़े हैं? हम कहते हैं कि सिविल इंजीनियर आप हैं, तो क्या पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े हैं, मटेरियल के बारे में पढ़े हैं, और एक मैकेनिक्स पढ़े हैं। तो मैकेनिक्स तो आधे लोगों को समझ नहीं आता कि इसका यूज़ क्या है, ना, तो आप मैकेनिक्स पढ़े हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े, यही दो टेक्निकल में हम कहें तो पढ़े हैं अभी तक। नहीं तो इसके पहले क्या पढ़े हैं? फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, तो वो तो आपका उससे तो आप जेई बनने वाले नहीं हैं। तो जेई में ज़्यादा मतलब जेई में ज़्यादा क्वेश्चन आता कहाँ है? तो वहाँ से आपका हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर से शुरुआत। यदि इस सेमेस्टर से आप मन लगा के पढ़ देते हैं तो जेई का आधा सिलेबस आप सेमेस्टर में ही तैयार कर सकते हैं। मन लगा के पढ़ना है ना, काम चलाऊ नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, और हम कहें कि आपके दिमाग में आएगा सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए हार्ड तो कुछ नहीं होता भाई, आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि एग्जाम मतलब कि सिलेबस आपसे हार्ड बनाया जाएगा, लेकिन इन सब में हार्ड जो है वो आपका कौन सा हार्ड आता है? आपका ये आता है आपका, क्या आता है भाई? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। हम कहते हैं आपसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है भाई? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सबसे हार्ड है। हम कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? तो वही क्या मिलेगा आपको? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपका? हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। यानी एक क्या मिल जाएगा आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जेई में आते हैं, जो आगे काम आने वाले। धीरे धीरे हम एक एक करके समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर मैकेनिक्स क्या हो गया, तो आप कह रहे होंगे सर मैकेनिक्स नाम सुने हुए हैं, है ना, क्या सुने हुए हैं? मैकेनिक्स। तो सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिक्स में आप क्या पढ़े हैं कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स का वियोजन क्या होता है, फोर्स को कंपोजिट कैसे करते हैं, कंकरेंट फोर्स क्या होता है, यही सर पढ़ें। यानी अभी अब मैकेनिक्स में बल के बारे में ज़्यादा स्टडी की है कि बल क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है,
अब हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में देखेंगे कि उस बल का स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में देखेंगे कि उस बल का किसी मेंबर पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी जो बल डाले थे आप पॉइंट लोड जो भी बल हो, उस बल का बीम पर क्या फर्क पड़ रहा है, कॉलम पे क्या फर्क पड़ रहा है, छत पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स वही चीज है कि जो मैकेनिक्स में आप फोर्स पड़े थे उस फोर्स का इफेक्ट मेंबर पे कैसे पड़ रहा है वो हम किस में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। सबसे हार्ड सब्जेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल है ना, इसमें क्या है, न्यूमेरिकली सब्जेक्ट, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या है आपका, ए न्यूमेरिकली सब्जेक्ट, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पूरे थर्ड सेमेस्टर में इस पर ज़्यादा फोकस करना है ना, हम बता रहे हैं हार्ड नहीं है, इन सब में हार्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस किस पर करना है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट आपका आएगा हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। अब हाइड्रोलिक्स मतलब क्या होता है कि जल वाला काम, जैसे कि भाई डैम बनाना है तो डैम कौन बनाएगा, सिविल इंजीनियर, कंक्रीट से डैम जो बनता है, बांध बनता है, तो अब बांध बनेगा तो देखा जाएगा ना कि पानी का फोर्स बांध पे कितना आएगा, ऊपर से जब पानी गिरेगा तो ऐसा ना हो कि बांध के ऊपर से मान लेते पानी गिर रहा हो, तो ऐसा ना हो कि बांध के बगल में वो पूरा खोद दे अपने फोर्स से, ऐसा ना हो आप बांध बनाए तो नीचे से पानी रिस जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे किस में, हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन में पूरा पानी पानी करना है आपका, है ना, कि फोर्स क्या होता है भाई, बहुत एक तालाब है तो किसी बिंदु पे कितना उस पानी के द्वारा फोर्स लग रहा है ना। फिर सेंटर ऑफ, बहुत सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स में। ये जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन सब में से इसमें से आता है, हाइड्रोलिक्स में से और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन, पानी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। कहीं भी आप पानी देख लीजिए, है ना, ऊपर से गिरेगा तो कितने फोर्स है। अब टंकी मोटर चला के टंकी भरते हैं तो टंकी में जो होल होता है उसे क्या कहते हैं, है ना, जिसमें पानी भरने के बाद गिरता है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन। तीसरा आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा क्या आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इससे ना जेई में क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, एक नहीं आने का मतलब कि कम इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब कि नाम मात्र के इंपॉर्टेंट है, जेई में नहीं आते हैं। और सबसे ईजी सब्जेक्ट यही है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत आसान सब्जेक्ट है। कैसे आसान है अभी हम देखेंगे। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग में क्या क्या पार्ट है उसी को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले बिल्डिंग में क्या बनता है, नींव बनता है, तो हम देखेंगे नींव क्या होता है, नींव कितने प्रकार का होता है। उसके बाद नींव के ऊपर प्लिंथ, डोंट वरी, सारी चीज़ें टर्म प्लिंथ सारी चीज़ें आपको समझ आएगी इसमें हम जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो प्लिंथ क्या होता है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय दरवाज़ा लगता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय खिड़की लगता है, तो दरवाज़ा कितने प्रकार के होते हैं, खिड़की कितने प्रकार के होते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय फर्श बनता है तो फर्श कितने प्रकार के होते हैं, छत बनता है तो छत कितने प्रकार के होते हैं। आसान है, आप समझ सकते हैं, सारा चीज़ आपको देखा देखा मिलेगा। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यानी समझ लीजिए कि मोटे मोटे बिल्डिंग में, अब बिल्डिंग में जितना पार्ट आपको दिख रहा है सबके बारे में पढ़ना होता है ना। थियरी टोटली क्या है, ये क्या है आपका थियरी, ये 100% थियरी है और इजी है एकदम, ठीक है। ये क्या देखिएगा इसमें ना, आपका कह दें 70% थियरी है और 30% क्या मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल मिलेगा, है ना, 30% न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल फिक्स है, इसमें कौन सा न्यूमेरिकल आता है हम देखेंगे, ठीक है, हम पढ़ लिए क्या। और ये तो समझ लीजिए कि 80% न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं एग्जाम में 80% और 20% थियरी, ऐसा मान के चलना है, न्यूमेरिकल थियरी और डेरिवेशन, ठीक है, जहाँ थियरी लिखे हैं वो थियरी में डेरिवेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि 80% न्यूमेरिकल है तो एग्जाम में बस न्यूमेरिकल ही आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे तो आपका इसमें थियरी और डेरिवेशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में आगे आएगा, बहुत काम पड़ता है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, जैसे मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे सिविल में, बहुत हार्ड हार्ड न्यूमेरिकली सब्जेक्ट आगे आने वाले हैं ना। तो क्या कहते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की, जितना सेमेस्टर में आप आगे बढ़ते जाएंगे सिविल में उतना आपका हार्ड हार्ड सब्जेक्ट आते जाएंगे। हम कह दें कि सबसे ईजी सेमेस्टर कौन सा है, हम कह देंगे थर्ड सेकेंड को छोड़ देता हूँ, तो कह देंगे हम थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर क्या है, सबसे एक तरह से ईजी सेमेस्टर है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अब सोचिए अब पढ़ेंगे तो देख लेंगे कुछ है नहीं, अगर हमसे पढ़ते हैं तब, क्योंकि चीज़ों को हम इतना ईजी करके समझा देंगे आप लोग, अरे सिलेबस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब बिल्डिंग ड्राइंग में जो देखिए, जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे उसी का ड्राइंग बनाएंगे, है ना। तो यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, है ना, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको ड्राइंग नहीं आता तो आप सिविल इंजीनियर कहलाने लायक नहीं है। सिविल इंजीनियर का
कुछ आया ना आया, ड्राइंग उसको आना मस्ट है, एकदम ड्राइंग आना ही चाहिए। तो जैसे कि देखिए, इन सब का हम अलग से एक सब्जेक्ट ही डिस्कशन करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। अभी तो हम मोटा मोटा कर रहे हैं ना, फिर हाइड्रोलिक्स का हाइड्रोलिक्स जब शुरू करेंगे तो उसके देखेंगे अंदर क्या क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है। यानी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाना शुरू करेंगे, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम पूरे थर्ड सेमेस्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी हम सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ेंगे तो फाउंडेशन का हम ड्राइंग बनाएंगे, फर्श पढ़ेंगे इसमें तो फर्श का ड्राइंग बनाएंगे, इसमें हम छत पढ़ेंगे तो छत का ड्राइंग पढ़ेंगे, इसमें हम डोर पढ़ेंगे तो डोर का ड्राइंग, विंडो पढ़ेंगे विंडो का ड्राइंग, सीढ़ी पढ़ेंगे सीढ़ी का ड्राइंग, बेसमेंट पढ़ेंगे बेसमेंट का ड्राइंग। समझ रहे हैं ना? लेकिन पढ़ना हमको ज़्यादा है, बनाना हमको कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाउंडेशन हमको कई प्रकार के पढ़ना है, लेकिन फाउंडेशन हमको एक ही प्रकार का बनाना है। डोर हमको बहुत तरह के डोर पढ़ना है, लेकिन डोर हमको कुछ ही डोर बनाना है। समझ रहे हैं ना? तो इसके टाइप अधिक पढ़ना है, उसमें से इम्पोर्टेंट वाले का हम क्या बनाएंगे, सिर्फ ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग के तो हम मास्टर हैं, ड्राइंग में तो सोचना ही नहीं, आप हम ऐसा ड्राइंग पढ़ाएंगे कि आप आंख बंद करके बना देंगे, ड्राइंग का तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो एक क्या, इसका तो टेंशन ही खत्म कर, मतलब टेंशन ही नहीं लेना है आपको, एकदम परफेक्ट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हमको पढ़ना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब कंक्रीट किसे कहते हैं भाई, कंक्रीट किसे कहते हैं, गिट्टी। बहुत लोग कंक्रीट का नाम सुनते हैं, जानते हैं गिट्टी, नहीं, सीमेंट बालू गिट्टी का जब पानी के साथ मिलाते हैं तो उसे कहते हैं कंक्रीट। सीमेंट बालू गिट्टी को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो उसी का टेक्नोलॉजी, कंक्रीट तकनीकी देखना है कि भाई कंक्रीट को मिलाएंगे कैसे। क्योंकि जब मिक्सर मशीन होता तो पहले सीमेंट डालेंगे कि पहले बालू डालेंगे कि पहले पानी डालेंगे कि पहले गिट्टी डालेंगे। हाथ से मिलाएंगे तो पहले क्या डालेंगे, किसको किसको डाल के मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे, कितने देर तक मिक्सर मशीन में डाल के कितने देर तक घुमाना है। यदि आप कंक्रीट को ले जाकर रख रहे हैं तो कितना ऊपर से रखना है, इससे ऊपर से आप नहीं रख सकते। उसका कंपेक्शन कितना, यानी वाइब्रेट उसको किया जाता है, कितने देर तक वाइब्रेट करना है। तो पूरा कंक्रीट के बारे में हम समझेंगे, सीमेंट कितने प्रकार का होता है, बालू कितने प्रकार का होता है, गिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मसाला कितने प्रकार के होते हैं। यानी जितना कंक्रीट से रिलेटेड है ना, गर्म मौसम में कैसे कंक्रीट बनेगा, ठंडी मौसम में कैसे कंक्रीट बनेगा, पानी में कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, भाई पानी में आपको दीवार चलाना है तब कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, ऊंचाई तक कंक्रीट को कैसे पहुंचाएंगे, बारिश के मौसम में, बहुत सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे किस में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी। आपको नाम से ही लग रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन है ना, इन्वायरमेंटल क्या है, स्टडी पर्यावरण अध्ययन। तो आप जानते हैं पढ़ना है आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर आपको पढ़ना है जैसे कि आप फूड चैन होता है ना, घास को खरगोश खाता है, खरगोश को शेर, खरगोश को कुछ नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं ना, खाते रहते हैं सब, तो फूड चैन के बारे में पढ़ना है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि अपने से ही पढ़ देंगे, इसमें कुछ है नहीं, बाकी हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है किसका, थर्ड सेमेस्टर का। अब हम समझते हैं कि भाई जेई के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो इन दोनों को तो लिखे ही हैं, फिर जो आएगा इंपॉर्टेंट ना जेई में, वो किससे आता है आपका, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सबसे, हम कहते हैं सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में, कौन सा है जेई के लिए, तो हाइड्रोलिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सोम से क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं आते, आते हैं लेकिन थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो जेई के लिए तीन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। थियरी मतलब एकदम इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल स्टडीज और जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग। यानी आपको हम कहते हैं कि रेगुलर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो रेगुलर सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स क्या है कि रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो भूल जाएगा। बाकी जब तक हम कोचिंग चलेगा, जब तक आप ड्राइंग का हम वीडियो डालेंगे तभी तक आपको ड्राइंग बनाना है। यानी ड्राइंग का यदि वीडियो अपलोड हुआ तो आपको ड्राइंग बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ड्राइंग रोज नहीं बनाना है, ड्राइंग का वीडियो अपलोड किया ड्राइंग बनाइए। लेकिन ज़्यादा दिन हो जाए तो आपको लगे कि ज़्यादा दिन हो गया ड्राइंग बनाए पिछला वाला, तो फिर एक बार बना दीजिए, ठीक है। तो ड्राइंग तो बनाते रहना है, बाकी रेगुलर इन दोनों को ही पढ़ना है। और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और रोटेशन बेस पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, कल से क्लासेज आएंगी और थोड़ा सा जो है ना आपको आवाज़ गूंज रहा है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, गुड लक।